लोग, आई होप आप सब अपने घर में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। अभी क्या है कि दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। आज सोने में सुबह बहुत लेट हो गया था, मुझे 7 बजे सोया था, मैं तो बहुत लेट उठा हूँ, ऑलमोस्ट 1:30 बजे सो के उठा हूँ मैं। और उठते ही बहुत सारा काम था, काम वाम ख़त्म कर रहा था मैं, और चाय वाय पी लिया है ऑलरेडी हम लोगों ने। सो अभी हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है, हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट में आज पोहा बना है, सो पोहा खा रहे हैं बहुत दिनों बाद। ये देखो पोहा, पोहा के साथ आज खान सर को देख रहे हैं, क्योंकि खान सर के चैनल को भी हम देखते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलता है देखने से। तो इनके भी खाना देने का टाइम हो गया है। ये देखो ये देखो ये देखो, ऐसे लड़ाई होती है जैसे कि खाना मिला ही नहीं है। और जैसा कि मैंने बोला था, पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और ये देखो पानी कितना साफ हो गया है। तो अभी क्या है, शाम के 6:30 बज रहे हैं, और अभी हम लोग आज ये जो लेमिनेट लगा हुआ है बालकनी में, ये हटाने वाले हैं, क्योंकि इससे मैक्स को कुछ भी नहीं दिखता है बाहर, जो भी वो देखना चाहता है कुछ भी नहीं दिखता है। सो अभी हम लोग इसको हटाएंगे, सो दैट इसको आगे का जो भी बालकनी से नज़ारा है वो दिख जाए, लोगों को देख सके, गाड़ियों को देख सके, क्योंकि जब हम इसे ऊपर उठा के बालकनी में दिखाते हैं तो बहुत खुश होता है देख के। सो अब टाइम आ गया है कि हम ये हटा दें। पहले हमने हटाया नहीं था क्योंकि बहुत छोटा था, तो वो गिर सकता था इससे छेद से निकल के, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि इतना बड़ा हो गया है कि नहीं निकलेगा, बट स्टिल विल मॉनिटर कि कैसा है। जल्दीबाजी का काम सच में शैतान का होता है। मैं यहाँ से बेड से उठ के बहुत जल्दी यहाँ से निकल रहा था, और इस कोने में भाई साहब लगा है, इस वाले फिंगर में इतना गलत लगा है ना भाई साहब, बहुत दर्द कर रहा है। सो नैमी इज़ हेल्पिंग मी क्लीन दैट। सो एक बार ये क्लीन हो जाए, फिर इस पर बैंडेड लगा के, देन आई विल गो फॉर सम पेन किलर और समथिंग। एंटीसेप्टिक मैंने लगा लिया है इस पर। ये आज तो कोई दिक्कत नहीं है, कल हालत ख़राब करने वाली है। मैक्स भी तब से यहीं पे बैठा हुआ है, जब से मेडिकेशन चल रहा है तब से ये भी हट नहीं रहा है यहाँ से। ठीक हो जाएंगे। बैंडेड वगैरह लगा लिया मैंने, एंड अभी ये निकालते हैं फटाफट, वरना अंधेरा हो जाएगा। इसमें तार लगे हुए हैं तो प्लायर से तार निकालता हूँ। तो नीचे गाड़ी खड़ी है और मुझे प्लायर अच्छे से ऑपरेट करना आता नहीं है, मतलब आदत नहीं है, और गाड़ी नीचे खड़ी है, सीधा अगर प्लायर गिरा और उसका शीशा फूट गया तो ये निकालना अपने को भारी पड़ जाएगा। उसको हेल्प करनी है, मैं अपने आप कर लूंगा, प्लीज आप हेल्प मत करो। मैं इतना हेल्प लेके भगवान को कैसे मुंह दिखाऊंगा। मैक्स वाओ, इसको देखो, नीचे ट्रैफिक देखो, लोग देखो, अलग अलग डॉगीज को देखो, कैसा लग रहा है मैक्स। अब मजा आ रहा है इसको, इसके पैर भी चल रहे हैं इसके। हाँ। तो अभी क्या है कि जो बाकी के बचे हुए हैं हम लोग निकाल लेंगे, बट अभी जो वायर्स लगे हुए हैं उसमें बहुत ज़्यादा रस्ट है, और ये बदमाश उसको जाके चाट रहा है, इट इज़ नॉट गुड फॉर हिम। तो अभी फिलहाल कैमरा रखते हैं, सो दैट मैमी कैन टेक केयर ऑफ मैक्स, और मैं ये सारा निकाल लूँगा। सो ये मेन वाले जो दो थे वो मैंने रिमूव कर दिए हैं, अब थोड़ा सा साइड का बचा है, इधर का और उधर का बचा है। सो उसको मैं कल उतारूंगा, आज नहीं। एंड अब ये इतना सारा स्क्रैप जमा हो गया है, इसमें इतने सारे रस्ट वाले तार भी हैं, तो इसको अभी अच्छे से ठिकाना लगाना है। फाइनली इसको नज़ारा लेने का आइडिया आ चुका है, कैसे नज़ारा लेना है यहाँ से, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी, बहुत एक्साइटेड होकर नज़ारा ले रहा है। मैक्स देखो देखो, समवन इज गोइंग, और ये बहुत ध्यान से देख रहा है। ये देखो अब बेसिकली जब से आया है तब से ये बाहर बस दो बार गया है वैक्सीनेशन के लिए, और एक बार जब मैं इसको लेके आया था तब। सो बाहर की दुनिया इसने बहुत कम देखी है,
अभी लॉकडाउन खुलेगा देन आई विल गो टू पार्क जब इसका सेकेंड वैक्सीनेशन हो जाएगा उसके बाद। सो तब तक के लिए एवरीथिंग इज़ न्यू फॉर हिम। देखो कैसे मज़े ले रहा है, ये देखो इज़ वेरी एक्साइटेड। देखो नमस्ते करेगा कुछ दिन में, भौंक भौंक के सबको वो करेगा। इसकी शरारतें नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। देखो रात भर में ये सोफे का जो भी डेकोरेशन है काट दिया है। पूजा करने का टाइम है और मैक्स भी आ चुका है। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो? हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ठीक है। मैक्स भी कर रहा है? मैक्स भी कर रहा है मेरे। तो आधी सैलरी मैक्स को भी दे देना। मैक्स की सैलरी अलग से आती है। ये मेरा जैसा एम्प्लॉय है जिसको नींद बहुत आती है। मैक्स की सैलरी अलग से आती है ना। हाँ देखो वासे आ जा रही है। आई एम मेकिंग बनाना शेक। सारी एनर्जी वो लेमिनेट्स रिमूव करने में निकल गया, हालत खराब हो गई। बनाना शेक बनाऊंगी फिर उसके बाद कुछ खाने के लिए बनाऊंगी। ये ना मेरे से कभी कभी ढंग से बन नहीं होता है। तो बास्केट से इसका ब्रेकअप हो चुका है। वो देखो वहाँ वैसी पड़ी है। आज सुबह से इसको नया हथियार मिले। रोलर कोस्टर बना लिया इसने तो। छोड़ेगा नहीं इसको ये। टोकरी यहाँ पड़ी है उससे इसको कोई मतलब नहीं है। उसमें घुस गया पैर उसके। इसको वैक्सीन लगवाने ले गए थे, कितना छोटा सा था ना ये। गुस्सा हो गया, गुस्सा। हाँ तो अभी क्या हुआ कि अभी हम बटर चिकन बनाने का प्लान बना रहे थे। चिकन ऑलरेडी ला के रखा हुआ है। मैंने नैमी को बोला कि तुम एक काम करो यूट्यूब में देखो और यूट्यूब में देख के बनाते हैं। इसने पता नहीं किसका वीडियो खोला और देखना स्टार्ट कर दिया। उसमें बंदा पता नहीं क्या क्या हाई फाई आइटम्स बता रहा है, मॉल्ट विनेगर और पता नहीं क्या क्या जो कि हमारे पास है ही नहीं। मैंने इसको एक प्रो टिप दिया, मैंने बोला किसी देसी बंदे का वीडियो देखो जो स्टील के बर्तनों में खाना बना रहा है, ऐसे बंदे का वीडियो देखो। उस वो जो इंग्रेडिएंट यूज करेगा देसी वाले वो हमारे पास होगा। ठीक है, 12 बज रहे हैं और हमारे घर में अभी मेन्यू डिसाइड हो रहा है और अभी तो सिर्फ रेसिपी देखी जा रही है कि क्या बनेगा बटर चिकन। अभी तो मुझे बैठ के वीडियो एडिट करनी है, 2-3 घंटे उसमें लगने वाले हैं। एक बात बताओ, इधर देखो तुम्हारा जो चश्मा है वो चश्मा टेढ़ा क्यों हो रखा है? मेरा मुंह मत खुलवाओ। क्या हुआ, क्या था जरा बताना। कौन बैठा था इस चश्मे के ऊपर लॉकडाउन में? सो क्या हुआ कि गलती से मेरी गलती नहीं थी, चश्मा इसने यहाँ पे रखा हुआ था और मैं पीछे बालकनी में था, बालकनी से जस्ट आया, आके यहाँ पे बैठ गया। जब मैं बैठा तो मुझे पता चला कि बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो गया मेरे से और चश्मा इसका जो है वो टूट चुका मेरे से। टेढ़ा हो गया और इन्होंने मुझे बताया भी नहीं। मैंने उठा के लगाया तो चश्मा मेरा टेढ़ा हो रखा है और इस लॉकडाउन में कहाँ से मिलेगा। बिना चश्मे का काम चलाओ, आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर तो बनो बिना चश्मे के। ईगर टू ईट बटर चिकन। इसको बड़ा पता है। मुझे बड़ी बदुआ देगा, कहेगा दिखा रही है, देता रही नहीं है।
अभी क्या है कि हमने जब अपना लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग शुरू किया था, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम कितना बना पाएंगे क्या, या हमें मतलब बिल्कुल भी ये भी उम्मीद नहीं थी कि हम एक दिन का भी कंटेंट बना पाएंगे, है ना। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि बस कैमरा उठाते हैं, लग जाते हैं, जैसे तैसे कंटेंट कुछ ना कुछ सामने आ ही जाएगा, कंटेंट बन ही जाएगा। और पिछले 7 दिनों से मैं कर रहा हूँ और आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रहा है, जो कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना प्लीज़, कमेंट अच्छे अच्छे करते रहना, है ना। तो अभी क्या है कि ब्लॉग डेली आता रहेगा, क्योंकि अब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है पहले से। एंड पहले मुझे लगता था एक दिन का भी कंटेंट नहीं बनेगा, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि ठीक है, अब मैं कंटेंट बना ले रहा हूँ, आप लोगों को अच्छा भी लग रहा है। और कभी भी मुझे अगर लेजी फील होता है, मतलब ऐसा लगता है कि चलो आज का रहने देते हैं, कल करते हैं, शी कीप्स पुशिंग मी, सो दैट इज़ अगेन अ पॉजिटिव थिंग जो मेरे पास है। अभी क्या है कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो ट्रैवलिंग अब दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। मुझे पता नहीं मैं अकेला ट्रैवल करूंगा या ये भी मेरे साथ ट्रैवल करेगी। ऐसे ही बोल रहे हैं, अभी मैंने माता रानी से कुछ मांगा है, क्या पता हमें वो मिल जाए, तो फिर मैं भी जाऊंगी और मैक्स भी जाएगा। तो अभी के लिए बस यही है कि आई जस्ट वॉन्टेड टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है, नहीं भी किया है, वीडियो देखा हो, लाइक किया हो, कॉमेंट किया हो, शेयर किया हो। आप सबका प्यार चाहिए, आप सबका सपोर्ट चाहिए, थैंक यू सो मच। अभी तक आपने इतना प्यार दिया चैनल को, एंड आगे भी हम कंटेंट बनाते रहेंगे, अपना सपोर्ट बनाए रखना। अविनाश ने तो व्लॉगिंग लास्ट ईयर सितंबर में, 7 सितंबर को हमारा फर्स्ट व्लॉग आया था, तब से स्टार्ट कर दी थी, और ही इज़ इनफ कॉन्फिडेंट नाउ। और मैंने अभी मतलब अपनी वेडिंग के बाद ही व्लॉगिंग स्टार्ट करी है, तो इतना मुझे भी नहीं आता है, अभी मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। बट हाँ, जो 2 दिन मैंने व्लॉगिंग किया और उसमें आपने मुझे बहुत मोटिवेट किया, उसके लिए थैंक यू। बस हम दोनों को ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, कीप शेयरिंग आवर चैनल। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके फटाफट सब्सक्राइब कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। मुझे मालूम है इंस्टाग्राम पे मैं रेगुलर नहीं रहता हूँ, बट आई विल ट्राई कि मैं रेगुलरली अपडेट्स डालता रहूँ। एंड अभी हर दिन की तरह हमारे पास आज भी कुछ ना कुछ है, जो कि ये देख के स्टिकर ही लग रहा है, स्टिकर ही है ना। हाँ, मेरा ये बेडरूम का एक इधर का वॉल था जो मुझे बहुत खाली खाली लग रहा था, तो उसके लिए मैं बहुत दिन से ये वाला स्टिकर सोच रही थी कि ऑर्डर करूँगी, बट आई गेस लॉकडाउन के चलते वो बोल रहे थे कि नॉट अवेलेबल है, तो अब हो गया डिलीवर। सो ये निकल चुका है, उल्टा है। ये है स्टिकर जो हम वॉल में लगाएंगे, क्या लिखा है? शूट फॉर योर गोल्स। शूट फॉर योर गोल्स, तो हम भी डेली कैमरा उठा के जो वीडियो शूट करें गोल्स के लिए तो शूट कर रहे हैं ना। फटाफट इसको लगाते हैं, उसके बाद किसी को आज क्या बनाना है? बटर चिकन। फाइनली बटर चिकन बनेगा। हमने एक देसी रेसिपी देखा है जिसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। सो आधे घंटे के कड़ी मेहनत के बाद ये फाइनली लग चुका है। जितना आसान दिख रहा लगाना उतना आसान नहीं था। ऊपर जो शूट दिख रहा है उसमें थोड़ा बहुत जुगाड़ है जो आपको दिख रहा होगा। जो भी है, टारगेट अचीव। सो काफ़ी मेहनत के बाद फाइनली हमारा बटर चिकन तैयार है, ऑल थैंक्स टू हर, गुड जॉब। सो अभी हम लोग डिनर एंजॉय करते हैं, क्योंकि अभी 3:30 बज गए हैं, खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद 1.5 घंटे मुझे लगेंगे एडिटिंग करने में, रेंडरिंग करने में। सो वीडियो एक बार रेंडर हो जाएगा, उसके बाद मैं सो जाऊंगा अपलोड करके। एंड इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, हैव फन, स्टे सेफ, बाय बाय।